शिल्पा, सबसे पहले वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। शिल्पा, आप जमशेदपुर से हैं और उसके बाद दिल्ली से होते हुए आप मुंबई गईं। जब मुंबई में आप गईं तो आपको इनिशियली अपने करियर में, म्यूजिकल करियर को एक स्टार्ट देने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। आपने स्टार्ट किया जिंगल सिंगिंग से एंड देन उसके बाद धीरे धीरे जब आपकी पहचान बनी तो आपने फिल्मों में गाना शुरू किया। जानना चाहेंगे आपसे कि तब जिस तरह की स्ट्रगल हुआ करती थी, तब की स्ट्रगल और अब की स्ट्रगल में क्या कोई डिफरेंस आया है? स्ट्रगल तो सबका ही होता है। आप हर किसी के लाइफ जर्नीज को देख लीजिए, उन्होंने बहुत मेहनत की है अपने तरफ से हर चीज़ को लेकर के, गाना सीखने से लेकर के, गाना स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने से लेकर के टू परफॉर्म करने तक, सब कुछ, एवरीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट। सब चीज़ों में बहुत मेहनत लगता है। टू बी ए गुड रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट, टू बी ए गुड परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, सब में बहुत मेहनत लगता है। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि किसी ने स्ट्रगल नहीं किया है। शिल्पा, आपने अपने म्यूजिकल करियर के शुरुआती दौर में 3 साल तक सिर्फ जिंगल्स ही गाए और मैंने ये भी सुना है कि वो 3 साल आपके करियर के स्ट्रगलिंग पीरियड में काउंट होते हैं क्योंकि उस समय तक आपको फिल्मों में ब्रेक नहीं मिल पा रहा था। टैलेंटेड होने के बावजूद भी आपको काम क्यों नहीं मिल रहा था? हर चीज का अपना वक्त होता है। गाने उस वक्त भी मैं गा रही थी लेकिन तो उसे नैना लागे ही मेरा पहला गाना हो सकता था और वैसा ही हुआ। और आई बिलीव कि अच्छी चीज़ों में टाइम लगता है लेकिन जब वो चीज़ें सही टाइम पे जब हो जाती है तो काफ़ी इट्स मच बेटर देन व्हाट यू थिंक। सो उस वक्त ऑफ कोर्स बहुत ही इम्पेशेंस रहती थी कि गाने नहीं मिल रहे हैं और गाना कब गाने को मिलेगा, लेकिन वही है कि हाँ, सही टाइम पे जो चीज़ें होती हैं वो ज़रूरी होती हैं। जी, तो फिर म्यूजिक डायरेक्टर मिथुन से आपकी कैसे मुलाकात हुई और आपको पहला ब्रेक कैसे मिला, मतलब क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो जानना चाहेंगे आपसे। मिथुन से एक्चुअली मेरी मुलाकात किसी और गाने की वजह से हुई थी और वो हमने ट्राई किया, उसके बाद मिथुन ने इसके लिए बुलाया था, तोसे नैना के लिए, और मिथुन ने इसको गाया और मुझे गाना बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। ओके। और उस वक्त नहीं पता था कि ये मतलब कौन सी फिल्म में है, इसका क्या होने वाला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन इतने पता था कि गाना बहुत अच्छा है और लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो आई थिंक दैट्स हाउ, आई मीन आप गाना गाते हैं लेकिन जब लोग उसको एक उसके साथ रिलेट करना शुरू करते हैं, दैट्स व्हेन यू फील दैट द सॉन्ग इज रियली रियली नाइस। शिल्पा, बहुत सारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे म्यूजिक सीखें लेकिन म्यूजिक सिखवाने से पहले वो ये जानना चाहते हैं कि जैसे हर एक प्रोफेशन में उन्हें पता होता है कि इतने साल लगाने के बाद हमारा बच्चा ये बनेगा, ऐसे ही वो म्यूजिक में भी जानना चाहते हैं। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है लेकिन फिर भी वो ये जानना चाहते हैं कि अगर वो बच्चे को म्यूजिक में डालेंगे तो कितने सालों में वो म्यूजिशियन बन जाएगा या एक बहुत अच्छा सिंगर बन जाएगा। कई सारे पेरेंट्स के इस सवाल का जवाब हम आपसे लेना चाहेंगे। आई ऑलवेज से दैट म्यूजिक इज़ वेरी, इसको क्या कहें, आराम से नहीं कर सकते। ये कोई ऐसा काम नहीं है जो आप मुझे अच्छा लगता है और ये फील गुड फैक्टर है, मैं इसको आराम से करूँगी। इट टेक्स अ लॉट फ्रॉम यू, तो आपको बहुत कुछ म्यूजिक में डालना पड़ेगा। तो जैसे कहते हैं ना कि अब मीठा चाहिए तो चीनी तो डालना ही पड़ेगा, तो उसी तरह इफ़ यू वांट टू डू म्यूजिक यू हैव टू गिव इन अ लॉट। आपका एक तो बहुत फोकस चाहिए, आपको मेहनत करना, मेहनत बहुत ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है, रियाज करना ज़रूरी है, उसके बाद अपने आप को कंसिस्टेंटली ग्रूम करते रहना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें यू हैव टू पुट इन अ लॉट। शिल्पा, ये माना जाता है कि बॉलीवुड की म्यूजिक इंडस्ट्री में इजी एंट्री है थ्रू रियलिटी शोज, आपको क्या लगता है जो लोग रियलिटी शोज के थ्रू म्यूजिक इंडस्ट्री में एंटर करते हैं, बॉलीवुड में एंटर करते हैं, क्या उन लोगों के लिए उनकी स्ट्रगल ज्यादा इजी हो जाती है या फिर वो सिर्फ कुछ टाइम का ही फेर होता है, जब तक रियलिटी शो चल रहा होता है तब तक उनका नाम चल रहा है लेकिन काम एक्चुअली जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड सिंगर्स हैं उन्हीं को मिलता है? आप कहीं से भी आए, अगर आप में वो बात है, अगर आप में वो टैलेंट है, आई डोंट थिंक एनीबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग एनीथिंग यू वांट। एवरीवन इज, मैं क्या कहूँ, एक अपनी डेस्टिनी होती है और अपना एक मेहनत होता है, इन दोनों के बलबूते आप कहीं भी जा सकते हैं। तो इट्स, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको रियलिटी शो से ही आना है या उससे नहीं आना है, इट्स अप टू यू, इट दैट्स योर चॉइस। लेकिन व्हेन इट कम्स टू डूइंग अ गुड जॉब विद योर म्यूजिक, दैट यू हैव टू डू, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। शिल्पा, आपने हमें इतना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।